हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है एक्सपायरी के दिन 35,041 पे, लगभग 422 पॉइंट नीचे, लगभग 1% डाउन बंद हुए हैं। तो बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस चालू है जो कंटिन्यू हो रहा है, और आज हमने फिर से जो है तो ऊपर खुलते ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा, या फिर से सुपर ट्रेंड रिजेक्ट हो गया। हमने देखा लगभग हाई था 35,860 का और लो था लगभग 34,800 का। तो 1000 पॉइंट का ऑलरेडी रेंज देख चुके हैं और नीचे के लेवल से थोड़ा सा रिकवर होके हम 35,040 पे बंद हुए हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी जो है तो एज एक्सपेक्टेड वीक रहना ही था। जिस तरह से बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स है उनमें सेलिंग चालू है, जिस तरह से FII जो है तो HDFC बैंक और HDFC से पैसे निकल रहे हैं, और जो बाकी के जो क्योंकि ICICI बैंक में भी FII की जो होल्डिंग है या फिर जो उनका शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से जब वो पैसा बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स है उस पर प्रेशर आना ही है। तो यहाँ देखते हैं अभी वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिखता है और फिर देखेंगे कि कल के लिए ट्रेड क्या हो सकता है। तो पहले बिगर ट्रेंड से शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज जो है तो यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया है ऑन वीकली चार्ट, मगर अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन रिवर्स भी हो सकता है, कल का दिन अगर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई तो ये जो ब्रेकडाउन है ये रिवर्सल भी आ सकता है, और वो जो है तो शॉर्ट कवरिंग रैली में भी बदल सकता है क्योंकि अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ अगर हम जो है तो जो ये लेवल है लगभग 35,200 का, इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो हम डेफिनेटली जा रहे हैं 33,200 से लेकर लगभग 31,000 के लेवल की तरफ, और ये बैंक निफ्टी में हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ड्यू टू सैंक्शंस, अगर US सैंक्शन लगाता है इंडिया पे, या फिर जो इन्फ्लेशन का प्रेशर आने वाला है आने वाले दिनों में, उसके वजह से तो सभी जो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है तो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है, और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको इम्पैक्ट होने वाला है। तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम जो है तो ये जो ब्रेकडाउन है ये कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, उसके लिए कल का जो क्लोजिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो क्लोजिंग नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली हम जो आने वाले हफ्तों में लगभग 33,000 से लेकर 31,000 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ जो है तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही वीक दिख रहा है, और ऑलरेडी हम जो है तो 50 वीक का जो एवरेज है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ चुके हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बेरिश साइन है और बहुत ही वीकनेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और मुझे बैंक निफ्टी क्योंकि वो पहले ही वोलेटाइल इंडेक्स है, मगर ये यहाँ जिस तरह से हम 50 वीक के एवरेज के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ बहुत दिक्कत की बात हो सकती है बैंकिंग सेक्टर के लिए आने वाले मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। तो अभी देख यहाँ वीकली चार्ट पे बिल्कुल फ्रेश सेल सिग्नल है जिसका टारगेट जो है तो 33,000 से लेकर 31,000 हो सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये वीकली क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा, मगर यहाँ अर्ली साइंस है कि हम जो है तो लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन कर चुके हैं और यहाँ बैंक निफ्टी 33,000 से लेकर 31,000 की तरफ जाने को तैयार है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जिस तरह से हमने ऊपर के लेवल से सेलिंग देखा है तो यहाँ कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है इन्वेस्टर के तरफ से, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी S1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपने देखा कि निफ्टी जो है तो अभी तक S1 पोस्ट ने टच नहीं किया है, मगर बैंक निफ्टी लगभग S2 के नीचे करीब पहुंच रहा है। तो यहाँ जब तक हम लगभग 35,350 के नीचे हैं, हमारे जो टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म में वो रहेंगे 34,200, कम से कम करंट लेवल से लगभग 850 पॉइंट नीचे, और डीपर टारगेट रहेगा 32,400 का। तो करंट लेवल से लगभग वो आता है 2600 पॉइंट नीचे, तो 2600 पॉइंट नीचे आता है, और ये बहुत जल्दी भी आ सकते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वॉर या वैसे कुछ चीज़ें हो गई, या फिर कोई कंट्री जंप कर ली उसने यूक्रेन के साथ वॉर में, तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है। और जिस तरह से प्राइस पैटर्न है डेली चार्ट पे, मुझे नहीं लगता कि हम जो है तो यहाँ बहुत ऊपर के लेवल देख पाएंगे आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बैंक निफ्टी पे रिवर्सल आएगा जब बैंक निफ्टी सक्सेसफुली क्रॉस करेगा 36,300 का लेवल, वो भी डेली क्लोजिंग बेसिस पे, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, प्राइस एक्शन के साथ,
तभी हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल देखेंगे। तब तक मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो है तो शायद 36,300 के नीचे खेलता रहेगा। अगर गिरा नहीं तो साइडवेज रहेगा, और साइडवेज जो है तो हम साइडवेज मूवमेंट उसमें ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे। अगर हम नीचे के लेवल क्योंकि अभी यहाँ बैंक निफ्टी में फ्रेश लो बना है, आप देख सकते हो निफ्टी ने अभी तक फ्रेश लो नहीं बनाया, मगर बैंक निफ्टी ने फ्रेश लो बनाया, तो ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में किस तरह से शॉर्ट्स बने हुए हैं। और यहाँ जो है तो पहला जो टारगेट है स्विंग टारगेट वो लगभग 850 पॉइंट नीचे है करंट लेवल से। जिन्हें ट्रेड लेना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 350 के ऊपर या फिर 350 के अराउंड शॉर्ट जाना है आपको, और वहाँ से 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। अगर आपको 35,350 पे बैंक निफ्टी मिलता है तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जिसका जो टारगेट रहेगा आपका लगभग टारगेट बनेगा 1,100 पॉइंट का नीचे, और आपको स्टॉप लॉस रखना है लगभग 300 पॉइंट का। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, आपको चाहिए तो वो आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट, तो कल के लिए ट्रेड क्या बन सकता है वो आवरली चार्ट दिखाएगा हमें। और आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो पिछला जो वीक का लो था उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम, तो ये बहुत ही बेयरिश साइन है। कल के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा, अगर बैंक निफ्टी हमें लगभग 400-450 या 500 के अराउंड मिलता है तो हम सेल करेंगे। ये हाई रिस्क ट्रेड होगा, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मगर ये ट्रेड अगर राइट फुल प्ले आउट हो गया तो हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें जो है तो 450-500 के अराउंड आपको शॉर्ट जाना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,700, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे जो टारगेट है मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में टारगेट आ सकता है लगभग 30, जो हमने डेली चार्ट पे देखा था और वो टूट गया, तो हम लगभग 33,700 तक भी जा सकते हैं। इतना डीपर नहीं आएगा, मगर कह नहीं सकते कि अगर फिलहाल हम कंजर्वेटिव टारगेट रखते हैं वो रखते हैं लगभग 34,250 का, तो उस लेवल से भी आप देखोगे कि 35,500 से देखोगे तो 1,200-1,250 पॉइंट होते हैं, आपका स्टॉप लॉस है सिर्फ 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1,200 पॉइंट का टारगेट है। अगर ये ट्रेड सक्सेसफुली प्ले आउट होता है और उसके नीचे जाते हैं हम, तो हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा ये रहेगा लगभग 33,700 का। तो उस लेवल से भी हम जो है तो उस बैंक निफ्टी में फिर से एक 500-600 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं, अगर हम 34,250 का लेवल तोड़ देते हैं तो यहाँ कल के लिए मेरा शॉर्ट व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे। हम बेचेंगे 500 के अराउंड, 35,500 के अराउंड बेचेंगे, स्टॉप लॉस 35,700 का। टारगेट रहेंगे हमारे जो बिगर टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 34,250, उसके बाद में 33,700 का। बीच में एक छोटा सा सपोर्ट भी है तो ये भी टारगेट हो सकता है, जिन्हें जल्दी निकलना है उनके लिए ये टारगेट ही छोटा टारगेट 34,700 का। तो यहाँ मल्टीपल टारगेट है, मगर ये जो बड़ा टारगेट है मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी दिखा सकता है, और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने वीकली लो तोड़ा है उस तरह से यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेरिश पोजिशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। जो ऊपर के लेवल पर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो वहाँ फिर से जो है तो बड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जिस तरह से ये कैंडल बनी है, हम कल भी एक ऐसी कैंडल देख सकते हैं और बैंक निफ्टी जो है तो कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट डाउन कर सकता है 34,250 के लेवल की तरफ। तो यहाँ बैंक निफ्टी में मेरा शॉर्ट व्यू रहेगा, 500 के अराउंड शॉर्ट जाएंगे, स्टॉप लॉस 700 का और टारगेट रहेंगे 34,250 के। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो ऐट द मनी पुट लेकर चलिए, उसमें एक्युमुलेशन कीजिए, आपको स्टॉप लॉस सेम रखना है। अगर फ्यूचर जो है तो 35,700 को टच करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 34,250 या फिर 33,700 पे जाता है, मुझे लगता है कि जो ऐट द मनी पुट ऑप्शन है उसमें 2x to 2.5x हमें गेंस देखने को मिल सकते हैं उस सिनेरियो में। तो कल देखते हैं, कल भी एक इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी कुछ नहीं करता तो यहाँ साइडवेज मूवमेंट आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि निफ्टी जो है तो निफ्टी में बुलिश पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी उसके वजह से जो है तो साइडवेज भी हो सकता है। मगर यहाँ हमारा सेम व्यू रहेगा, साइडवेज भी होता है तो हमें 500 के अराउंड मिलता है बैंक निफ्टी तो हम बेचने की कोशिश करेंगे 700 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है तो सेम रखेंगे। यहाँ मोस्टली हम, अगर आपको कैरी करना है इस मार्केट में तो शॉर्ट कैरी कीजिए, लॉन्ग कैरी मत कीजिए।
और शॉर्ट भी कैरी कर रहे हैं तो उतना आपका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपको तो करंट लेवल, करंट मार्केट सिनेरियो में दूर ही रहना चाहिए, या फिर इंट्राडे ट्रेड ही लेनी चाहिए आपको। जो अगर कैरी करना है ट्रेड कोई भी, तो मोस्टली वो शॉर्ट साइड का कीजिए, और वो भी आपका रिस्क प्रोफाइल उतना हो तो ही कीजिए, क्योंकि यहाँ हमें न्यूज़ फ्लो पे गैप अप गैप डाउन दोनों तरह के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मोस्टली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरह से आज टूटा है, हो सकता है कि हम जो है तो फ्रेश सेलिंग बैंक निफ्टी में बनते हुए देख सकते हैं, और फ्रेश लो जो है तो वो कंटिन्यू हो गए, और हमें 34,250 और 33,700 के टारगेट जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते नहीं आए तो अगले हफ्ते ज़रूर देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और पिछला भी वीडियो जो है तो आपने फॉलो किया होता तो आपको लगभग बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का जो गेन गेंस है शॉर्ट में वो देखने को मिले है ऑलरेडी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है लाइव मार्केट में तो मेरी जो प्रीमियम सर्विस है उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.